कैमरा लुक शिकारी ऐसा है कि शिकारी एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, ये बड़ा पुलिस हट के इसमें हर चीज़ है, थ्रिलर है, एडवेंचर है और मतलब इमोशन हर चीज़ मैंने इसमें रखा है। और ये थोड़ा सा ऐसे लोगों की कहानी है जो जंगल में जाते हैं और फंस जा रहे हैं वहाँ पे, इससे ज़्यादा मैं अभी कुछ नहीं खोल सकता हूँ। ये मुकेश ओझा हैं, ये हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, मेरे साथ तीन चार फिल्में असिस्ट कर चुके हैं, बहुत पुराने हैं, जब मैंने काम देखा ये लगे हुए थे मुझे अच्छा लगा, तो मुझे एक नया हीरो चाहिए इस सब्जेक्ट के लिए, तो मैंने इनको सोचा कि इन्हीं को मैं लॉन्च करता हूँ, इस फिल्म से इनको लॉन्च कर रहा हूँ। पुराने आर्टिस्ट हैं और अच्छे आर्टिस्ट हैं, मतलब आज क्या है भोजपुरी में चाहता हूँ कि यंग जनरेशन आए और अच्छे लोग एंट्री मारे, इसलिए मैं इसको लेके आ रहा हूँ। संचिता जी के बारे में मैं क्या कहूँ, ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, ये सब जानते हैं, इसलिए मैंने इनको कास्ट किया क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से मुझे लगा कि मुझे इनको कास्ट करना चाहिए, इसीलिए मैंने कास्ट किया क्योंकि जिस रोल के लिए मैंने इनको फाइनल किया वो इनके अलावा दूसरा मुझे कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा था। सबसे पहले आप सबको प्रणाम मेरा, आप लोग सब आए यहाँ मुझे आशीर्वाद देने के लिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये मेरी पहली फिल्म है एज ए हीरो, बट मैं इंडस्ट्री से काफ़ी पहले से जुड़ा हुआ हूँ, एज असिस्ट मैं क्लेप करता हूँ, क्लेप से असिस्ट किया, एसोसिएट किया, सर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जब इनको लगा जब मैं इस लायक हूँ तो अब ये मुझे मेरे लाइफ की एक नई जर्नी से रूबरू करा रहे हैं, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। So this is my first experience and इस experience के बारे में मैं आपको बता दूँ कि एक मैं आपके सामने कुछ वाक्य पेश करना चाहूँगा कि ये फिल्म जब स्टार्ट हो रही थी 21 सितंबर कुछ दिनों पहले मेरा बर्थडे था और मुझे पता बिल्कुल नहीं था इस फिल्म के बारे में, कुछ नहीं पता था, मुझे ये पता था कि सर दो फिल्म अनाउंस कर रहे हैं बट मुझे ये नहीं पता था कुछ दिनों पहले तक कि मैं इस फिल्म में हीरो। सर ने मुझे सरप्राइज़ दिया 21 सितंबर मेरे बर्थडे के दिन, जब इन्होंने बोला कि मुकेश आओ तुम ये फिल्म कर रहे हो, आई कांट एक्सप्रेस माई वर्ड बिकॉज ये मेरे लाइफ का आप समझ सकते हैं कि किसी कोई लड़का अगर स्ट्रगल कर रहा हो, असिस्ट है, एसोसिएट, वो अपना सबके सपने होते हैं, तो जब वो उसको इस तरह की सरप्राइज़ मिलती है और अचानक सडनली, तो उस पर क्या होती है वो मैं बता नहीं सकता। मुकेश रो रहे हो? नहीं नहीं मैं रो नहीं रहा, मैं वो आंखें भरी हुई नजर आ रही है मुझे, खुशी के क्योंकि खुशी कई बार आंखों से भी बाहर आती है। खैर अपने बारे में जरा बताओ मुकेश, कहाँ से शुरू हो, कैसे शुरुआत की? जैसे आप लोग जान ही रहे हैं मैं एक बार बता दूं, मेरा नाम मुकेश ओझा हूँ और मैं झारखंड से हूँ बेसिकली, ऐसे मेरा गांव है बिहार में है आरा, और मैं 2011 में मैंने पहली एक फिल्म की थी 2011 में हमारे से यहाँ दरोगा, उस फिल्म से मेरी शुरुआत हुई थी, उसके बाद फिल्म किया, मुजरिम किया, लफंगे की, फिर सर के साथ मैंने की, हीरोगिरी की, बहुत सारी फिल्में अभी लव एक्सप्रेस आई थी, कई फिल्में मैंने जो एसोसिएट डायरेक्टर किया, उसके बाद मैं सर के साथ काफ़ी दिनों से जुड़ा था, सर से काफ़ी कुछ सीखता था बारीकियों के बारे में, मैंने हीरोगिरी की शूटिंग के दौरान सर से काफ़ी कुछ सीखा था, टेक्निकली काफ़ी कुछ सीखा, कैमरे के पीछे काफ़ी कुछ सीखा, वो आज जो वो मैं फर्स्ट लॉन्च हो रहा हूँ बट अगर थोड़ा बहुत मुझे अगर कैमरे के सामने हिम्मत है खड़ा होने की, थोड़ी सी अगर कॉन्फिडेंस है तो सिर्फ सर के वजह से, कि उन्होंने बहुत कुछ मुझे सिखाया और बाकी जो सर का एहसान है वो तो मैं लाइफ टाइम नहीं भूल सकता, मैं और क्या कहूँगा। संचिता नमस्कार। संचिता कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बताइए जरा इस फिल्म में आपको उसमें देखा हूँ शिकारी, आप जरा अपने किरदार के बारे में। बहुत अच्छा कैरेक्टर है, सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप अपने टाइम निकल के यहाँ पे आए हम लोगों के साथ, सर को मनोज जी को, क्योंकि
सर ने जब मुझे फर्स्ट टाइम कॉल किया था तो सर अपने बारे में बताए थे और मुझे कहा था कि आप मेरा एक प्रोफाइल चेक कर, तो फर्स्ट प्रोफाइल मुझे ग्रो करनी है सर आपकी फिल्म ट्रेलर देख के मुझे अच्छा लगा कि क्या स्टार्टिंग है बहुत ही, तो ये पिक्चर बहुत ही अच्छा बनाएंगे सर के साथ। मीटिंग करने के बाद जब मैंने कैरेक्टर के बारे में सुना, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, इसमें सब कुछ है, सस्पेंस है, थ्रिलर है, रोमांस है, एवरीथिंग इज देयर एंड मुझे अच्छा लगा, मैं रेडी हो गई हूँ इस पिक्चर को करने के। म्यूजिक के बारे में सर बता दीजिए, म्यूजिक के बारे में बताइए। म्यूजिक में इस बार मैं म्यूजिक डायरेक्टर के नया लॉन्च कर रहा हूँ, मोहित सिंह नाम है, मैं बुलाता हूँ। वो एक्चुअली वो रामजी गुलाटी के साथ ऑलरेडी बहुत पहले से काम कर रहे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर है, तो इस बार उसको कब से ये नवंबर में हम लोग शूट करेंगे। कहाँ शूट करेंगे? हम लोग झारखंड में करते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ सर के आशीर्वाद से आज इस जगह पे हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि माँ बाप का बहुत सपोर्ट होता है। कोई लड़का आता है तो उसमें माँ बाप का, क्योंकि मैं, मेरे पास कई बार ऐसे वक्त भी आए जब मुझे लोग कहते थे यार ये कौन सा लाइन चुन लिया, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था, मेरे सारे कॉन्टेक्ट के मेरे जितने मित्र थे कोई इंजीनियरिंग में जा रहे थे, कोई डॉक्टर में जा रहे थे, तो मैंने जब एक्टिंग चुना तो सब कहते थे ये तो गया, ये कौन सा लाइन चुन लिया तुमने। बट ये लाइन चुनने के बाद अगर किसी का सपोर्ट मिला तो सबसे ज़्यादा मेरे पापा मेरी मम्मी का, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे नेगेटिव थॉट आने नहीं दिया मेरे बारे में, ना कभी सोचने दिया। और मेरे दोस्तों का, मेरे फ्रेंड्स जितने थे उन लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, इवन कि आज तक भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग, तो मैं उन सबको और अपने मम्मी पापा सबको एक बार हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच। ये मैं इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं, मैंने बहुत लोग कुछ लोगों को सुनाया, कुछ क्या बहुतों को सुनाया, मैं बोला इस पे काम करते हैं, मगर क्या था कि कोई भी प्रोड्यूसर इस पे तैयार नहीं हुआ। बोले कि यार इस टाइप का कॉन्सेप्ट तो भोजपुरी में चलता नहीं है, इसका तो पैटर्न अलग है और भोजपुरी में अलग पैटर्न चलता है, तो कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस फिल्म को मैं ही प्रोड्यूस करूँ, और फिर मैंने इसको प्रोड्यूस करने का फैसला। संचिता, और क्या क्या फिल्में चल रही हैं आपकी, ज़रा बताएं। आप अभी शूट चल रहे हैं, आपकी अभी रिसेंट फिल्म रिलीज भी हुई, बहुत धमाल भी किया, आगे क्या क्या है? विवाह रिलीज होने वाली है और मेरे प्यार से मिला भी, वो भी रिलीज होने वाली है। सर के साथ जुड़ रही हूँ, नवंबर में शूट है, और एक फिल्म है जो बहुत बड़ी फिल्म है, बट वो भी नवंबर या अक्टूबर में शूट है, स्टार्ट होने वाला है, यही है प्रोजेक्ट मेरे पास अभी। तो असल में प्यार से आपको मिलाया कि नहीं है? मिलाया। जरा बताइए कहाँ है आपका वो प्यार जिससे आपको मिलाया? वो सीक्रेट है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, पहले मैं प्रोग्रामिंग कर रहा था, बहुत 4-5 साल हो गया मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। म्यूजिक बहुत टाइम से करना था कि करूँ, कॉम्पोजिशन करूँ, सब करना शुरू करूँ, क्योंकि डैडी ने बोला कि चलो मैं देता हूँ आपको ये। मैं पहले से बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स लोग के लिए मैंने काम किया, तो मैं बोला चलो अभी इस बार थोड़ा अलग जॉनर, थोड़े अलग रिलीजियस में आते हैं, भोजपुरी करते हैं, बट डैडी ने बोला कि उसको वो टच नहीं देना, ये मूवी का फ्लेवर बहुत अलग है। तो अभी ये मूवी से मैं भोजपुरी का पूरा म्यूज़िक चेंज करने का विचार, पूरा सब म्यूज़िक अलग होगा, भोजपुरी के जैसा म्यूज़िक नहीं है ये, पूरा मतलब मॉडर्न जैसा म्यूज़िक चल रहा है वैसा म्यूज़िक है अभी ये। आपको लगता है भोजपुरी में जो म्यूजिक होता है वो बहुत बेहतर क्वालिटी का नहीं होता है, या फिर वो नीचे मार्केट पर होता है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, भोजपुरी म्यूजिक बहुत अच्छी है, टिपिकल इंडियन जैसा म्यूजिक चाहिए वैसा है, बट थोड़ा कभी कभी निकलना चाहिए वो इंडियन से भी, थोड़ा अभी पॉप जो म्यूजिक ज़्यादा चल रहा है वैसा भी इसको करेंगे, भोजपुरी में भी थोड़ा सब फ्लेवर लेके आएंगे, सब जॉनर लेके आएंगे। कितने सॉन्ग्स होंगे आपके, लोगों की प्लानिंग हुई होगी? हाँ, कितने सॉन्ग्स होंगे? 7 गाने हैं ये पिक्चर में, 7 गाने और उनमें किसके साथ काम हो सकता है, कौन कौन से मूड के सॉन्ग्स हैं, रिकॉर्ड हुए हैं नहीं हुए हैं, कौन गाएगा? अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ, अभी काम चल रहा है,
रोमांटिक है, थोड़े मोस्टली रोमांटिक गाने पे एक दो है आइटम। कोई क्या आपकी आवाज़ पे आपके फिल्म का एक गाना सुन सकते हैं? नहीं, तो मैं गाता नहीं हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा कि कभी कुछ आगे फ्यूचर में प्लानिंग करूँगा। है श्रोता है, जितने देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम नमस्कार। मैं संगीतकार मधुकर आनंद, हमारे बगल में बैठे हैं आनंद, ये सॉरी मुकेश ओझा जी, आनंद ओझा जी हमारे दोस्त हैं, और ये महा आनंद जी हैं, और एक आनंद जी और हैं हमारे बीच में, वो आप लोगों के तरफ हैं क्वेश्चन पूछने वाले। मिला जुला के यहाँ आनंद भंडार है, और मुकेश ओझा जी हमारे छोटे भाई हैं। जब हम लोग दो पिक्चर हम लोग कर रहे थे साथ में, इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस था उस पिक्चर, मतलब काफ़ी एक्टिव मेंबर थे उस पिक्चर के, ये तो बहुत सारी डीप डिस्कशन होती थी हम लोग, मतलब एकदम प्रगाढ़ता वाला जन डिस्कशन बोला हमारा इनका में होते रहे। ये स्वभाव से जितने सरल है ना, अंदर से बड़ा ही एकदम क्या उसको बोलते हैं, अंदर उफान मारने वाले इंसान हैं। इनके अंदर बहुत कलाकारी उफान मारती है, और बहुत अच्छी इनकी सोच है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जब हम लोग बना रहे थे एक पिक्चर का गाना, क्या नाम था, लव एक्सप्रेस के गाने हम लोग बना रहे थे, तो जैसा हमारी सोच है हमेशा कुछ नयापन होना चाहिए, तो वही इनकी भी सोच है। अभी बड़ी अच्छी पिक्चर ये कर रहे हैं, हमारा आशीर्वाद है इनके साथ। इतने अच्छे सोच वाले थॉटफुल इंसान, अगर कुछ बनाते हैं तो ज़रूर इनकी पिक्चर भी बहुत काफ़ी अच्छी थॉटफुल होगी और लेटेस्ट होगी, क्योंकि आधुनिकता के ये बहुत बड़े समर्थक हैं, परिवर्तन के बहुत बड़े समर्थक हैं। और सबसे खुशी की बात है कि हमारे जो भाई हैं इस पिक्चर के, जो डायरेक्टर हैं मनोज तोमर जी, जो हमारे भाई तुल्य हैं, बड़े भाई तुल्य, उनका बेटा बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, उनके बेटे, उनको इन लोगों ने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर लॉन्च किया है, तो ये हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। नए यंग एनर्जेटिक लड़का जो वेस्टर्न काफ़ी सीखा है, बहुत अच्छे दौर से अभी गुजर रहा है, तो उसका सहयोग मिलेगा। बाकी मैं इनके साथ हमेशा खड़ा हूँ, जहाँ भी इनको लगेगा मेरा सहयोग इनके साथ है, और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। भगवान आशीर्वाद दें, और ये बहुत बताओगे चाहें भैया के आशीर्वाद शुरू से हम लोग भोजपुरी का हमने के थोड़ा बिल्कुल शुरू से ही जब हमने के करत रहे जीरो वही समय तो हमारे भैया फर्स्ट टाइम मिलने आ जा, तो फर्स्ट टाइम हमने के जब बैठा रहे जैसा थे तो वो बॉन्डिंग पता चल गई कि काम है, तो इस शुरू से हमारा के हमेशा पॉजिटिव देवल थॉट आशीर्वाद देवल इनके आशीर्वाद में हमारा एनी लोग जैसे बड़े बड़े लोग के आशीर्वाद से आज की मुकाम ना बिल्कुल भगवान है, और आशीर्वाद रही तो आगे सबसे बड़ी कर खासियत बात परिवर्तन संसार का नियम है, तो हमेशा परिवर्तित होते रहिए, मॉडिफाई करते रहिए अपने आप को। पहले मोटरोला के मोबाइल चलत रहे हथौड़ी लेखा जब मार दिला बुकिंग का पानी, धीरे 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 ओकरा में रूपांतरण होकर चालू भेल, करत 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 हती हती मोबाइल चल रहा, जाना घर हम दिल्ली में रहत रहे 2001 में तो एकदम छोटा छोटा मोबाइल चलता था, तो जो बड़का मोबाइल लगता था वो लुकवा के रखता था, कहीं निकल जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे भाई गरीब आदमी है, छोटका वाला एकदम पूरा ऐसा वहीं बतिया होता रहे लोग हेलो, तो वो उस समय का फैशन था, उस समय की पुकार थी, उस समय की जरूरत थी। अब धीरे धीरे मोबाइल चेंज, मोबाइल बड़ा होगा, अलग अलग फंक्शन आ रहे हैं, कंप्यूटर में अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, संगीत अलग अलग तरीके का होते जा रहा है दिन पे दिन, तो ये परिवर्तन खराब चीज़ नहीं है। आज भी लोग दादा जुग का बड़ाई करते हैं कि यार पहले के क्या गनवा रहे, कहे बसूरिया बजा लो भैया, वो गाना तो तू सुन ले लो, वो दादो सुन ले ले, हमार बाबू जी सुन ले ले, तू सुन ले ला, अब कुछ नया बनाओ, कुछ बदलाव लाओ, कुछ परिवर्तन लाओ, तो वो परिवर्तन के तरफ हम लोग जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे, मतलब प्रकृति के हिसाब से हम बढ़ रहे हैं, प्रकृति परिवर्तन चाहती है, एक्चुअली तो हम जितना परिवर्तन के तरफ बढ़ेंगे उतना प्रकृति हमें सपोर्ट करेगी। एक्चुअली पहले क्या था कि पहले जो भी इंडस्ट्री थी, नॉट ओनली भोजपुरी,
जो हिंदी थे या अदर इंडस्ट्री, पहले इतने क्रिटिसिज्म नहीं होते थे जितने आजकल वेल क्रिटिक्स खड़े हो गए। ये क्यों खड़े हो, इसमें हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पहले क्या था कि पहले कंपटीशन अपनी इंडस्ट्री की फिल्मों की, अपनी इंडस्ट्री की पिछले फिल्मों से, हिंदी की पिछली हिंदी से थी, भोजपुरी की पिछले भोजपुरी फिल्मों से थी, बांग्ला की पिछले बांग्ला से थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब कॉम्पिटिशन वर्ल्ड वाइड हो गया, क्योंकि अब यूट्यूब सोशल मीडिया आ गया, उसी पर एवेंजर्स के ट्रेलर आ रहे हैं, दो मिनट बाद थग्स ऑफ हिंदुस्तान के आ रहे हैं, और तीसरे मिनट हमारे भोजपुरी फिल्म के आ रहे हैं। तो अब ऑडियंस के पास पूरे ऑप्शन, ऑडियंस तुरंत कंपेयर करती है, उन्हें किसी से मतलब नहीं कि आप कैसे बना रहे हो, आपके क्या है, बस उन्हें वही फिल्म चाहिए हर लेवल में, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होनी चाहिए। तो अब जो कंपटीशन है वर्ल्ड लेवल का हो गया, अगर हम वर्ल्ड लेवल का नहीं सोचेंगे, हम बस फिल्म दें, कॉन्सेप्ट हमारा जो भी हो, रीजनल हमारा हो या कोई भी हो या लैंग्वेज कोई भी हो, बट दिखना सेम चाहिए। एडवांस एडवांस जी आप क्या कहेंगे, किस तरह से बधाई देंगे सितारी फिल्म आज जो है लॉन्च हुई है, क्या कहेंगे? बोल के ही बधाई दूंगा भाई। मैं सबसे पहले तो हमारी फिल्म का जो निर्देशक है तुमर जी, उनको बधाई देना चाहूँगा। फिल्म हमारी फिल्म आ रही है शिकारी, शिकारी टीम से जुड़े सभी साथियों को बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा, हमारे भाई मुकेश जी को शुभकामनाएं हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को कुछ अलग और नया कुछ देखने को मिलने वाले हैं। थैंक यू। क्या कहेंगे सर इसके बारे में, क्या कहेंगे आप? मेरी डायरेक्टर भी है, बहुत लोगों को अरे भाई आओ जाओ और डायलॉग सुनवाए, आज खुद डायलॉग बोलने वाले हैं, क्या कहेंगे भाई की बात करें? मुकेश बात कर रहे हैं, मुकेश जी के साथ मेरा ये पहला मिलन है जी, उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत अच्छा होगा, एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, हम लोग आपस में एक दूसरे को समझ जाए तभी कुछ कह पाऊंगा, फिलहाल तो अभी कुछ कहना पाना मुश्किल है। बस इतना कहना चाहूँगा कि चीज़ें जैसी भी हो रही है, हम अपने काम से करके बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, बोल चाल तो चलता रहता है, ज़्यादा कर ज़्यादा बोल दें और कर ना पाएं तो मतलब नहीं, तो अच्छा है कि हम पहले काम कर लें, बोलने के लिए कुछ रहेगा नहीं, दुनिया ही बोलेगी। तो हमारी शुभकामनाएं भाई मुकेश जी को और पूरी टीम शिकारी फिल्म की पूरी टीम को शुभकामनाएं बताएंगे। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, लव यू। सर सबसे पहले तो मैं पूरी टीम योशिका सबको मैं बधाई दे रही हूँ, मुबारकबाद दे रही हूँ कि उनका ये प्रयास सफल हो और एक बहुत अच्छी हिट फिल्म बने और फिर ये सिलसिला चलता रहे। हिट फिल्म मनोज जी को मैं पहले से जानती हूँ, इज अ वेरी फाइन डायरेक्टर, इतने गुण गुण में हैं वो मेरे ख्याल से भी 1/4 भी बाहर नहीं आया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस फिल्म के बाद उनकी जो खूबियाँ हैं, क्वालिटी है, वो निखरता जाए और बाहर आता जाए और हमें अच्छी अच्छी फिल्में देखने का और करने का मौका मिले। हमारा हीरो मुकेश बड़ा प्यारा बच्चा है और पहली बार वो हीरो बनकर आ रहा है, तो उसे मेरी विशेष शुभकामना है इस फिल्म में वो स्टार सुपर स्टार के रूप में आए। आपके और कोई प्रोजेक्ट के बारे में आप बताना चाहेंगे जो हाल ही में आ रही हो या तैयारी चल रही हो? मेरी फिल्मों से क्या लेना देना, पहले मैं इस फिल्म और हीरोइन के बारे में तो आपने सुना ही, जो मेरी फीलिंग हुई अभी तक हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में ज्यादा मानसन सौंदर्य ही दिखता, समझ रहे हो ना, लेकिन इस हीरोइन ने संचिता को देखकर मुझे लगा कि नहीं, पहली बार एक ब्यूटीफुल नक्श से सिख तक तरासे हुए रूप में हमारे सामने आई है, तो उसका भी भविष्य बहुत दिख रहा है। सब मिलाकर इस फिल्म के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और आशाएं भी हैं कि फिल्म एक बहुत ऊंचे पर ऊंचाई पर पहुंचे। सर से जानना चाहेंगे, सर क्या कहेंगे शिकारी फिल्म का जो है आज अनाउंसमेंट? बहुत खुशी का दौर है, मैं न्यूयॉर्क से कुछ महीने पहले ही मुंबई आया हूँ और जब मेरे को पता लगा कि मनोज तोमर साहब बहुत अच्छी प्रोडक्शन लेके आए हैं तो मेरे को मैसेज मिलते ही मैं आप लोगों के बीच आ गया हूँ। और जो इंटरटेनमेंट पब्लिक चाहती है, जो इंटरटेनमेंट हम चाहते हैं, वो तोमर साहब हमें देंगे और पूरी यूनिट को बहुत मुबारकबाद देता हूँ जी। सर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या शुभकामनाएं देंगे उन्हें कि वो प्रोड्यूसर भी हैं और साथ में जो है डायरेक्टर भी हैं इस फिल्म के, क्या करना? मैं सबसे पहले मैं प्रकाश सिंह, मैं सबसे पहले आप लोगों सबको धन्यवाद देता हूं और मनोज तोमर जी को बधाई देता हूं कि वो प्रोड्यूसर पहली बार बने हैं, डायरेक्टर तो बहुत अच्छे हैं ही, और उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना, अपना आशीर्वाद
और सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि इस फिल्म को अच्छे से बनाएं और अच्छी फिल्म का रिजल्ट। नए अभी इस समय नए हीरो को भी लॉन्च कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनके? तो बहुत वो टेक्नीशियन इतने अच्छे हैं कि वो नया पुराना उससे मतलब नहीं है, क्योंकि जौहरी अगर ये बनाने वाला मेकर अगर बढ़िया है, किसी भी मिट्टी को कुम्हार कितना बढ़िया घड़ा बना ले जैसे बना लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ सर। अनाउंसमेंट हुआ है शिकारी फिल्म का, महुल जी और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों हैं इस फिल्म की, क्या कहें? नमस्कार, मैं हूं आप सबका सत्येंद्र सिंह, और आज बहुत खुशी की बात है कि मैं आया, शिकारी फिल्म का मुहूर्त हुआ, शुभ मुहूर्त हुआ। हमारे बहुत अजीज प्यारे मित्र बड़े भाई गुरुज मनोज जी डायरेक्ट कर रहे हैं फिल्म को, शिकारी लगता है लंबा शिकार करने की कोशिश में है, तो बहुत खुशी हुई यहाँ आके, और मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि इनकी फिल्म बने, सुपर डुपर हिट हो और धमाल मचाए, और साथ में नवोदित कलाकार जो हमारे भाई कर रहे हैं उनके लिए भी शुभकामना देता हूँ, और पूरी यूनिट को शुभकामना देता हूँ कि ये फिल्म बने, सुपर डुपर हिट हो, यही मेरे तरफ से विशेष है। सर आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप सर, कि आज शिकारी फिल्म का जो अनाउंसमेंट हुआ है, मनोज जी उसमें जो है डायरेक्टर कर रहे हैं और इसके अंदर जो है प्रोड्यूसर भी वही है, क्या कहेंगे? जी सबसे पहले तो मैं अपनी मीडिया को और अपने दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार कहना चाहूँगा। मनोज तोमर जी के साथ मैंने पहले भी एक फिल्म किया हुआ है, और मनोज तोमर जी जो हैं सर जो हैं वो कुछ अलग किस्म का ही सोचते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस फिल्म में भी जो है शिकारी फिल्म कुछ अलग ही सोच रहे हैं और अलग ही कुछ करेंगे, क्योंकि बिल्कुल अलग हट के। सर आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या कहेंगे मनोज जी के बारे में, और वे नए जो ला रहे हैं लॉन्च करें, साथ में मिले डायरेक्टर लोग हैं वो भी जो है नए ला रहे हैं, क्या कहेंगे? जी नमस्कार, मेरा नाम गौरी शंकर है, मनोज और मैं हम बहुत पुराने मित्र हैं, मनोज जी की पहली बार बनाया, मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं मनोज जी को, मनोज तोमर को एज ए प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, एक्टर जो नए हैं मुकेश ओझा को, और फिल्म शिकारी को जो म्यूजिक डायरेक्टर संगीतकार है अपना मोहित सिंह, यंग ब्लड है, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, विश देव गुड लक फॉर द फ्यूचर। आप एकदम कह रहे हैं मित्र हैं, तो कुछ खास चीज़ें उनके बारे में बताएं कि क्या खास इंसान है? मैं बहुत मैं उनका नाती हूँ, मैं खास में काम भी किया, तो मित्र वाला तो खास बता दूँ, काम तो करूँगा नहीं जी, है ना। बड़ी तो गुड डायरेक्टर, बड़ी दो तीन फिल्में अच्छी बनाई है जिसकी चर्चा मैंने सुनी है बहुत बार, हमने जो वो असिस्टेंट थे जब हम मैं फिल्म कर रहा था उसने देखी थी, तब से मैं जानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।